अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप लोग कैसे हो? उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं चिकन बनाऊंगी बहुत ही आसान तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से। इधर मैंने चिकन लिया है, 1 किलो चिकन है ये। इसको मैंने अच्छे से धो लिया है, छन्नी में रख दिया था, इसका सारा पानी निकल गया, अभी भी छन्नी में है, पानी इसमें नहीं है बिल्कुल भी। इसको अच्छे से धो लिए हैं। इधर हमने 4-5 प्याज काटा है मीडियम साइज के, ऐसे लंबाई में काट के रख लिया है। चलते हैं गाइस, चिकन बनाना शुरू करते हैं। आप लोग बने रहने कंटिन्यू हमारे चैनल पे, बिल्कुल आसान तरीके से बनाऊंगी मैं आज। देखिए गाइस, मैंने भगोने में तेल चढ़ा दिया है, तेल पहले से चढ़ा दिया है, ये गरम हो रहा है। गरम हो जाए फिर प्याज डाल देती हूँ। देखिए गाइस, तेल हमारा गरम हो गया है। कुछ मैंने खड़े मसाले ले लिया है, इसे डाल देती हूँ। पहले एक दालचीनी का छोटा टुकड़ा, एक बड़ी इलायची, एक जोत्री का फूल है, 2 छोटी इलायची, 4 से 5 लौंगे हैं, थोड़ी सी काली मिर्च, 3 तेज पत्ते हैं छोटे छोटे साइज के, मैंने बीच से तोड़ लिया है। अब डाल देती हूँ इसे तेल में, थोड़ा सा ये खड़े मसाले हो जाए, फिर प्याज डाल दूंगी इसी में। अब प्याज को डाल देती हूँ। अभी तक भून लेते हैं थोड़ा, प्याज को फ्राई कर लेते हैं गोल्डन होने तक, उसके बाद में चिकन डालूंगी। देखिए गाइस, प्याज हमारे फ्राई हो गए हैं। अब चिकन को डाल देते हैं इसमें। लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ 1 चम्मच। अब इसे भून लेते हैं 1 से 2 मिनट अच्छे से। लहसुन अदरक डाल दिए, अब इसे भून लेते हैं, उसके बाद में मसाले डालूंगी। देखिए गाइस, चिकन को मैंने भून लिया अच्छे से लहसुन अदरक डाल के। अब नमक डाल देती हूँ उसमें। देखिए गाइस, मैंने नमक डाल दिया है चिकन में। अब मसाले डाल रही हूँ पिसे हुए, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। मसाले में घर में बना के रखती हूँ पीस के, इसलिए ज़्यादा नहीं डालती हूँ। मिर्ची 1/2 चम्मच, गरम मसाला, 2 टमाटर काट लिया है छोटे साइज के, ये भी डाल देती हूँ। आज दही नहीं है तो मैं टमाटर डाल रही हूँ, दही हो तो दही टमाटर दोनों डाल सकते हो, या तो कुछ एक डाल दो, बहुत टेस्टी बनेगा चिकन। अब इसे अच्छे से मिक्स करते हैं, मसाले में भून लेते हैं, उसके बाद में इसको डाल देंगे। धीमे आँच पे पकाएंगे, तो ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है। देखिए गाइस, चिकन को मैंने भून लिया सारे मसाले डाल के। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, करछी को धो देते हैं इसमें, इसमें मसाला लगा हुआ है। देखिए गाइस, मैंने चिकन में थोड़ा सा पानी डाल दिया है। अब इसको ढक देते हैं, पकने देते हैं स्लो आँच पे। इसके नीचे गैस को बिल्कुल मीडियम कर दूंगी। देखिए गाइस, मैंने चिकन को अच्छे से सारे मसाले डाल के मिक्स कर दिया है, अच्छे से मिक्स हो गया है। 1/2 चम्मच मैंने काली मिर्च का पाउडर बना लिया है, ये भी डाल देती हूँ। इसको डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, काली मिर्च का चिकन में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब इसको ढक देती हूँ, इसको बाद में चलाऊंगी, अभी नहीं चलाना है, इसको पकने देते हैं। देखिए गाइस, चिकन को मैं चेक कर रही हूँ, इसको मैंने बीच में 1-2 बार चला दिए थे, चिकन हमारा गल गया है। बोटियाँ टूटना शुरू हो गया है, साइड साइड से हड्डियाँ छोड़ दिया है, चिकन हमारा हड्डी में से अलग होने लगा है, ये गल गया है। अब इसे भून देते हैं थोड़ा सा, इसमें मैं तरी नहीं लगाऊंगी, ऐसे रखूंगी। देखिए गाइस, चिकन हमारा भून गया है, इसको मैंने अच्छे से 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लिया है, इसका तेल सारा अलग हो गया है। अब गैस को बंद कर दूंगी, ये तैयार हो गया है। आप चाहो तो तरी वाला बनाओ, तरी डाल सकते हो पानी थोड़ा सा, मैं पानी नहीं डाल रही हूँ। गैस को बंद कर दिया, ये तैयार हो गया है, अभी बाद में दिखाते हैं आपको। देखिए गाइस, भुना हुआ चिकन हमारा तैयार हो गया है, ये बहुत ही टेस्टी बना है, आप लोग ज़रूर बना के खाना गाइस। भुना हुआ चिकन रोटी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में।
वीडियो हमारी पसंद आई गई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। मिलते हैं गाइस एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना।